बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 3 का सब्जेक्ट जीके पढ़ेंगे और आज हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है आवर नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज का हिंदी होता है हमारे पड़ोसी देश। इस लेसन में हम लोग अपने पड़ोसी देशों के नाम के बारे में जानेंगे और उनकी राजधानियों के बारे में। हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। दूसरा है बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तीसरा है भूटान, भूटान की राजधानी है थिम्पू। चौथा है चाइना यानी चीन, चीन की राजधानी है बीजिंग। पांचवा है मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले। छठवा है म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है नाइपी टाओ। सातवा है नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। आठवा है पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। नौवा है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 3 का जीके पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है आवर नेबरिंग कंट्रीज, यानी हमारे पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग इस विषय में पढ़ेंगे। इस लेसन में यहाँ पे हमारे पड़ोसी देशों के नाम और उनके राष्ट्रीय ध्वज का चित्र दिया है, सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पर कुछ फिगर दिखाए हैं जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानियों के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनका चित्र दिखाया गया है। पहला है कोलंबो का ये लोटस टावर है। दूसरा इस्लामाबाद का ये फैजल मस्जिद का चित्र है। अगला ये बीजिंग के टेंपल ऑफ हेवन का चित्र है। नीचे दिया है काबुल के शाहदो शमशीरा मस्जिद का ये क्षेत्र है, ये चित्र है। आगे है माले, ये माले सिटी का चित्र है। नीचे है नाइपीताओ, ये नाइपीताओ के अफ़ग़ानिस्तानी पगोडा का चित्र है। नीचे का जो चित्र है वो ढाका का है, ये आसन मंजिल का चित्र है। यहाँ दिया है काठमांडू के ये पशुपतिनाथ मंदिर का चित्र है। ये जो फिगर दिख रहा है ये थिम्पू के तस्चो डजा का चित्र है। इस तरह से सभी देशों के नाम, उनकी राजधानी और कुछ उनके राजधानियों में कुछ प्रसिद्ध जो चित्र हैं यानी स्थल हैं उनका चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे पड़ोसी देशों के नाम और उनके खाली स्थान में कैपिटल भरना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, बांग्लादेश ढाका, भूटान थिम्पू, चाइना बीजिंग, मालदीव माले, म्यांमार नाइपीताओ, नेपाल काठमांडू, पाकिस्तान इस्लामाबाद, श्रीलंका कोलंबो। इस प्रकार से सभी बच्चे खाली स्थान में सभी हमारे पड़ोसी देशों के राजधानियों का नाम भरेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।